आज हम लोग एक प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एपिडुओ फोटे जेल। ये गैलडर्मा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 1650 रुपए है 30 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए। पिंपल्स की दवाई जनरली इतनी महंगी नहीं आती है, तो ये इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि ये दिया जा रहा है एक्ने वुलगैरिस के केस में, यानी पिंपल्स के केस में, जो है सीवियर फॉर्म, जैसे नोडुलोसिस्टिक एक्ने, जैसे एक्ने कॉन्ग्लोबाटा। पिंपल्स कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट एक्ने स्कार्स, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, चेहरे पे काले रंग के धब्बे, चेहरे पे गड्ढे, उसको भी एक साथ साथ में कम करता है। तो इसको हम मोनोथेरेपी यानी इंडिविजुअल थेरेपी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियरिटी है पिंपल्स की तो हम इसमें ओरल रेटिनॉइड्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आइसोरेटिनॉइड। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने अपने पेशेंट पे खुद प्रयोग किए हैं और इनका रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर एक्ने कॉन्ग्लोबाटा जैसी कंडीशन भी ठीक हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। मैं पिंपल से रिलेटेड यानी कि स्किन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में और हेयर से रिलेटेड बीमारियों के बारे में वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एपिडुओ फोटे जेल में दो चीजें हैं, एक होता है एडाप्लिन, दूसरा होता है बेंजाइल परोक्साइड। एडाप्लिन एक किस्म का रेटिनॉइड होता है, यानी कि वाइटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, जो पोर्स को, पसीने की ग्रंथियों को अनक्लॉग करता है, गंदगी को वहां से रिमूव करता है, डेड स्किन को वहां से हटाता है, जिससे कि इसके साथ में जो दवाई यानी बेंजाइल परोक्साइड जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। रेटिनॉइड होने की वजह से ये क्या करेगा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी चेहरे के ऊपर जो काले रंग के धब्बे हैं उसको भी रिमूव करता है, साथ ही साथ में जो गड्ढे बन रहे हैं एक्ने के स्कार्स उसको भी काफी हद तक कम करेगा। फाइन लाइंस, रिंकल्स में भी इसका काफी अच्छा रोल होता है। अगर हम बात करें बेंजाइल परोक्साइड की, तो ये एक एंटी बैक्टीरियल थिंग है जो इसमें पी एक्ने नामक जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको हटाने का काम करती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो स्किन के ऊपर आती है, लाल रंग के पीप वाले दर्द वाले दाने, उसको भी कम करने का काम ये कर सकता है। तो इसको हम कंपनी ने कंपोजिशन में डाल दिया ताकि आपका पिंपल्स भी ठीक हो जाए, साथ साथ में दाग धब्बे भी ठीक हो जाए, स्कार एंड स्पॉट भी ना छूटे। इस तत्व को हमने खुद यूज किया है अपने पेशेंट्स के ऊपर, जिसमें हमें रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग मिला है। हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो काफी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे इसका प्रयोग करना है। तो समझ लीजिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत माइनर पिंपल्स हैं, छोटे इक्का दुक्का पिंपल आता है, तो इसका प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आप उसके लिए एरिटोपेन, न्यूक्लिन जैसी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नियासिनमाइड होता है, जिसमें कि क्लिंडामाइसिन होता है। तो ये आपके स्किन को हल्का सा, डेड स्किन को रिमूव भी करेगा, पिंपल को भी ठीक कर देगा। तो सीवियरिटी अगर है आपके पिंपल्स में, एक्ने कॉन्ग्लोबाटा, नोडुलोसिस्टिक एक्ने ऐसी कंडीशन है, तभी आप इसका प्रयोग करिए। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? आप रात को सोने से 2 घंटा पहले एक नॉर्मल क्लींजर, जो ऑयल फ्री क्लींजर होता है, जैसे साटाफिल या एपिसॉफ्ट, उससे चेहरे को वॉश करिए, फिर स्किन को पैड ड्राई करिए, और उसके बाद पी साइज, मटर के दाने के बराबर, इस दवाई को पिंपल्स एंड पिंपल्स के स्पॉट पे लगाइए। आधा घंटा वेट करिए, देखिए कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है स्किन के ऊपर। अगर ज्यादा इरिटेशन है, चेहरे को वॉश करके आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, ऐसे एपिसॉफ्ट एसी क्रीम लगा के सो जाइए। याद रखिए, इसमें एपिडुओ जेल में एडाप्लिन है, जो कि फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है, यानी धूप से आपको बचना पड़ेगा। तो अगली सुबह डायरेक्ट धूप में मत जाइए, अगर जाना पड़ रहा है तो सनस्क्रीन लगाइए, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है, या तो एपिसॉफ्ट एसी ही यूज कर लीजिए, या लाशील्ड सनस्क्रीन जेल या सनक्रॉस सॉफ्ट सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी फेस को कवर करिए। हरदम याद रखना, इस दवाई की क्वांटिटी बहुत कम रखो, वरना इससे चेहरे के ऊपर इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है, ड्राई सी स्किन हो जाती है, कभी कभी खुजली जलन बहुत देखने के लिए मिलती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सूट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए इसको पी साइज लगाइए, सिर्फ रात को लगाइए। अगर आपको ये आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है पूरी रात भर छोड़ने पे, तब आप इसको रात भर छोड़ सकते हैं। ये दवाई आपको हरदम डॉक्टर के ही परमिशन से लेनी है, केमिस्ट शॉप से आके मत लीजिएगा। तो आप जब जाएंगे तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि सर क्या ये दवाई मेरे लिए सेफ है कि नहीं। इसको प्रेगनेंसी में, या जो औरतें प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको इसका यूज नहीं करना चाहिए। इवन लैक्टेटिंग मदर को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो भी इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एपिडुओ फोटे जेल कैसे काम करता है। साथ ही साथ में एपिडुओ जेल भी इस कंपनी का ही आता है, पर उसमें एडाप्लिन 0.1% है। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने के लिए होता है, वो माइल्ड फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के पिंपल में हम उसका, या थर्ड ग्रेड के पिंपल में भी उसका यूज कर सकते हैं।
और ये सीवियर फॉर्म में यूज होगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये पंप पैक में आता है। इसका पैक जो होता है ये पंप पैक होता है, तो इसको हरदम आपको कैसे लेना है, जो पी साइज होता है उसके बराबर लेना है, थोड़ा सा इसके बराबर लेना है, ठीक है। और जहां पर पिंपल्स हो रखे हैं वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया एपिडर्मल फोटो जेल। ये थेरेपी करीब करीब 3 से 6 महीना चल जाती है अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं। इवन अगर आपके चेस्ट पे, बैक पे पिंपल्स यानी ट्रंकल एक्ने हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।